तलवार के जोर पर इस्लाम बढ़ा था, इसे तलवार के जोर से ही समाप्त किया जा सकता। इस्लाम के विषय में भविष्य पुराण में कहा गया है, ऐसा धर्म पैदा होगा मोहम्मद से जो लिंग को ही खाल को काटेंगे, लिंग छेदन करेंगे, बकरे जैसी दाढ़ी रखेंगे, राक्षस जैसा चेहरा होगा। जितने भी सनातनी हिंदू हैं सभी को अपने घर में ये तलवार रखनी है। इसलिए सभी हिंदुओं से निवेदन है तलवार खरीदें। मेरा नंबर है 99 विद लाइसेंस, हम तलवार दे रहे हैं, 1250 रुपए की है, कम से कम 5 तलवार बुकिंग कराएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संचिव राज, प्रमुख हिंदू सेना, और आपको ज्ञात है पूरे देश में ये हमारी माँ भगवती का प्रसाद तलवार बट रही है। ये तलवार रेलवे लाइन की बनी हुई है और इसकी 30 साल की गारंटी हमारी तरफ से है। विद लाइसेंस हम तलवार दे रहे हैं, 1250 रुपए की है। आपका बुकिंग का पहले हम पैसे रखते थे, अब बुकिंग जीरो बैलेंस पर है। NCR के अंतर्गत में कोई भी बुकिंग का पैसा पहले नहीं लिया जाएगा, केवल आप अपना पता लिखा दें, कम से कम 5 तलवार बुकिंग कराएं, ये तलवार आपके घर पहुंच जाएगी। ये 3.25 फुट की है और लगभग 1.25 किलो वजन से ऊपर की है। मजबूत तलवार है, लोहे का हत्था है और ये रेलवे लाइन की बनी हुई है। जितने भी सनातनी हिंदू हैं सभी को अपने घर में ये तलवार रखनी है। मेरा नंबर है 99, इस पर आप जो कि तत्काल बुकिंग करें, और भारत के किसी भी हिस्से में बुकिंग करने के लिए आपको लगभग 10% जमा करना अनिवार्य होता है, जिससे कि आपके घर पर डाक पहुंच सके। धन्यवाद। गृह मंत्रालय और PM हाउस में इसकी सूचना दे दी गई है, आपको लाइसेंस जायज मिलेगा। मेरे मित्रों दोस्तों, इस्लाम के विषय में भविष्य पुराण में कहा गया है कि एक ऐसा धर्म पैदा होगा मोहम्मद से, मैं गजवा हिंद नहीं होने देना चाहता से, और इस्लाम पैदा होने से हजारों साल पहले कह दिया गया है, जो लिंग को ही खाल को काटेंगे, लिंग छेदन करेंगे, बकरे जैसी दाढ़ी रखेंगे, राक्षस जैसा चेहरा होगा, और एक नर पिशाच पैदा होगा जो 6 साल की अवस्था से बुढ़ापे में भी शादी करेगा, रेप करेगा, बलात्कार करेगा एक बालिका से, और तलवार के जोर पर धर्म को चलाना चाहेंगे, और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, वो मानवता को नष्ट करने का नियम निकालेंगे, हिंसा पर आधारित होंगे, बलात्कार पर आधारित होंगे, पर एक दिन धीरे धीरे करके वो स्वयं नष्ट हो जाएंगे। अब शिक्षा का विकास हो चुका है, अब इस्लाम के विषय में जो कमियां हैं सबको मालूम पड़ चुकी हैं, सब जान चुके हैं कि मोहम्मद एक बलात्कारी है। इसलिए सभी हिंदुओं से निवेदन है, सनातनियों से निवेदन है, तलवार खरीदें, अपने घर में माँ भगवती की पूजा करें, क्योंकि तलवार के जोर पर इस्लाम बढ़ा था, इसे तलवार के जोर से ही समाप्त किया जा सकता है। हालांकि मेरे ऊपर काफ़ी सरकार प्रतिबंध भी लगा सकती है, और दुनिया के इस्लाम जितना भी है मेरा विरोध में हो गया है। मैंने 3 साल PhD की है, इस्लाम को नज़दीकी से देखा है, जिहादियों को नज़दीकी से देखा है, आतंकवादियों को नज़दीकी से देखा है, इनकी अस्त्र शस्त्र बांटने की प्रक्रिया को देखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं गजवा हिंद नहीं होने देना चाहता, इसी सभी भारतीय सनातनी जितने भी हैं वो सभी तलवार रखें। इन बाबाओं ने क्या बोला हर देशवासी को सुनना चाहिए, और मैं वो वीडियो को सुनाया, लेकिन कोई भी बड़ा चैनल पे इसको लेके बात नहीं किया गया, कोई भी बड़ा बड़ा यूट्यूब चैनल इसको लेके बात नहीं करना चाह रहा है, और ये भी है मुस्लिम लीडर को भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। एक है ना शोएब कासमी, जब नूपुर शर्मा का विवाद का बयान था, अल्लाह का रसूल के बारे में कुछ गलत बोला था, मुसलमानों को तो मतलब क्या बोलो कि जो इस्लाम विरोधी संगठन है वो मार रहा है, पीट रहा है, इसके नाम पे उसके नाम पे दंगा लगा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन देख रहा है कि ये सब करके भी कुछ फायदा है नहीं। तो ये लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अपना दिल से भी जिसको ज्यादा प्यार करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको गाली दे रहे हैं ये लोग। थोड़ा ये जो बाबा है कभी कभी मुसलमानों के साथ भी जाता है, लेकिन ये सब क्या है दिखाने के लिए जाता था, लेकिन अभी फिर ये कहकर अपना दल बल तैयार करके हर किसी को बोल रहा तलवार खरीदो। हाँ तुम्हारा तलवार खरीदना है खरीदो, जिसको मारना है मारो, लेकिन लड़ाई करना है करो। क्या तुम ये जो बाबा है, ये बाबा बोल भी रहा है कि प्रधानमंत्री इधर और गृह मंत्रालय, मतलब हर किसी को ये बोलना चाह रहा है कि देश का बड़ा बड़ा हर किसी का
समर्थन से ये तलवार बेच रहा है और मुसलमानों को काटने के लिए बेच रहा है, इसका बात सभी ने सुना। मेरा बात मेन बात ये है कि मुसलमान लीडर सब कब एक साथ खड़ा होगा, ये होगा कि नहीं होगा मैं अल्लाह मालूम है। अच्छा, लेकिन उन सब मुसलमानों को पहचानना पड़ेगा जो इस्लाम का लिबास पहन के, इस्लाम का लिबास पहन के मुसलमानों से दुश्मनी करने आता है। जैसे शोएब कश्मी, वो जब नूपुर शर्मा मोहम्मद सलाम के बारे में बहुत ज़्यादा उल्टा पलटा टिप्पणी किया था, तब ये क्या बोला था कि इसका दुहाई दिया था, असदुद्दीन ओवैसी का दोहाई दे रहा था, जमात का दे रहा था, तुमने क्या किया, तुमने कुछ बोला था कि उसको कार्रवाई होगा, बात चल रहा है, उसको पकड़ा जाएगा, अभी तक पकड़ा, अभी तक नूपुर शर्मा अरेस्ट हुआ। फिर शोएब कश्मी कुछ मुसलमान लीडर बाहर आएगा कुछ बोलेगा, फिर शोएब कश्मी बाहर आएगा आके बोलेगा कि ऐसा नहीं है, सरकार काम कर रहा है, सरकार काम कर रहा है, और जब कयामत आएगा तब काम करेगा सरकार, इसका बोलने का मतलब है। तो शोएब कश्मी जो है ये कादियानी है, ये अल्लाह का रसूल को नहीं मानता है, ये अल्लाह का हर नियम को नहीं मानता है, तो इनको कोई भी मुसलमान मुसलमान मत सोचो, तो ये मुसलमान का दुश्मन है, ये कादियानी है, अल्लाह का रसूल का दुश्मन है, ये कादियानी सोच पे चलता है, इसका जो हर बात है वो बात को समझो। और भी एक यूपी से निकला है, वो बोलता है 14 साल पहले इस्लाम आया, मोहम्मद सलाम 14 साल पाया है, तो इतना बड़ा इतना सब जो दाढ़ी टोपी लेके कुछ मूर्ख घूम रहा है पैसा लेके, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, तो इस हमको पहचानना पड़ेगा पहली बात। दूसरी बात, कोई भी मुसलमान लीडर अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहा है, जो ये जो हदी तो पार कर दिया ये बाबा नूपुर शर्मा और राजा सिंह हो, ये सबसे ज्यादा ये तो ऊपर चला गया है, तो इसके ऊपर सरकार अभी तक मतलब कोई भी बड़ा चैनल, कोई भी बड़ा मीडिया, कोई भी बड़ा यूट्यूब चैनल, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो बड़ा बड़ा वादे पे है वो कोई नहीं दिखाई दे रहा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि इस पे बात कर रहा है, कि ये जो ऐसे कर रहा है, अभी तक इसको जेल में क्यों नहीं डाला गया, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, इस पे देश पे हर कुछ दिन बात ऐसे होते ही जा रहा है, अल्लाह के बारे में उल्टा पलटा, रसूल के बारे में उल्टा पलटा, कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा, तो मुसलमानों भी एकता नहीं है, मुसलमान लीडर पर भी मतलब एकता नहीं है, देश में होता जा रहा है, हर मुसलमान उलेमा को सामने आना पड़ेगा, आके बात करना पड़ेगा, नहीं तो इन बाबा को और भी हिम्मत मिलेगा, और हर भाइयों को बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इल्म लो, नहीं तो इन लोगों के बारे में मतलब जो इन लोगों के द्वारा जो सोशल मीडिया पे ज्यादा दिखाया जा रहा कि इस्लाम ऐसा है वैसा है, तुम लोग जवाब नहीं दे पाओगे, तुम लोग को इल्म लेना पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं जा पाओगे, और कुरान और सुनना और जनरल नॉलेज दोनों ही लेना पड़ेगा, नहीं तो एक तरफ इल्म लेके दूसरा तरफ का जवाब नहीं दे पाओगे, हर भाइयों को बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा इल्म लिया करो।